तो दोस्तों अगर आप भी एक लेना चाहते हैं बहुत ही ऑसम एक कमाल का फोन, तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ टॉप 3 बेस्ट फोन। इन 3 बेस्ट फोन्स में मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी खूबियां बताने वाला हूँ। इन फोन्स में आप लोगों को बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ मिलने वाली है, इसमें आप लोगों को बड़ी इंक्रीज डिस्प्ले मिलने वाली है, इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिलने वाला है जिससे आपका फोन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इन सारी खूबियों के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज आप लोगों को मैं बताता हूँ टॉप 3 बेस्ट फोन अंडर 15,000 की रेंज में, यानी 15,000 रुपए की कीमत में आप एक बहुत ही अच्छा फोन खरीद पाएंगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे यहां पर सबसे पहले तीसरे फोन से। अगर तीसरे फोन की बात करें तो सैमसंग की तरफ से आने वाला M30 एक बहुत ही ऑसम एक बेस्ट फोन है। यहां पर आप लोगों को सैमसंग की तरफ से सैमसंग का एक्सिनोस 7 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है जिसमें आप गेम्स वगैरह बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाते हैं और बहुत ही अच्छी ये आप लोगों के फोन में प्रोसेसिंग देता है। अगर बात करें इसमें 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है आप लोगों को, 64GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है आप लोगों को, और वहीं पर 6.4 इंच की फुल HD डिस्प्ले आप लोगों को सुपर डायनेमिक यानी सुपर AMOLED डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है, और फ़ोन बहुत ही ऑसम हो जाता है इन सारी स्पेसिफिकेशन के। वहीं पर जो मेन बात है वो है ट्रिपल कैमरा। यहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है, 13+5+5 मेगापिक्सल का कैमरा आप लोगों को देखने को मिलता है फ्रंट में, 13+5+5 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा आप लोगों को देखने को मिलता है रियर में और LED फ्लैश के साथ, जिससे कि ये फोन बहुत ही ऑसम हो जाता है। यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे फोटोज ले पाते, बहुत ही अच्छी पिक्स ले पाते हैं। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का कैमरा आप लोगों को देखने को मिलता है फ्रंट में, जिससे कि आप बहुत ही अच्छे फोटोज भी ले सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पर बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी आप लोगों को देखने को मिलती है, क्विक चार्जिंग का सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, फास्ट चार्जिंग, USB टाइप सी पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये फोन बहुत ही ऑसम हो जाता है इस प्राइस रेंज के साथ। अगर यहाँ पर प्राइस की बात करें तो 14,900 रुपए की कीमत का ये आप लोगों को मिल जाता है, और ये बहुत ही एक ऑसम फोन है। तो अगर इस फोन की बात करें तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं 14,900 रुपए की कीमत पे, आपको अमेजोन वगैरह या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। और ये फोन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऑसम है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पर अगर पहले फोन की, तो ये सबकी रेट पीट चुका है। फोन ऐसा है जो अभी तक मार्केट में आता है ऑनलाइन और बिक जाता है, लोग खरीद ही नहीं पाते हैं। 5-5 सेकंड में, 2-2 सेकंड में सेल्स ऑफ हो जाती है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। रेडमी नोट 7 प्रो की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। रेडमी नोट 7 प्रो एक बहुत ही ऑसम फोन है, जिसमें आप लोगों को प्रोसेसर की अगर बात करें तो स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है। अगर इस प्रोसेसर की बात करें तो ये आपके सारे गेम्स को हैंडल कर सकता है, यानी PUBG वगैरह को बिना लैग और परेशानी के आप इसमें खेल पाएंगे। अगर बात करें रैम वेरिएंट की, तो 4GB रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज आप लोगों को देखने को मिलता है। पर डिस्प्ले अगर यहाँ पर बात करें तो 6.3 इंच की आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलती है, यानी सैमसंग के M30 से 1 इंच कम थोड़ी सी देखने को मिलती है। और यहाँ पर आप लोगों को यू शेप नॉट डिस्प्ले देखने को मिलती है। डिस्प्ले बहुत ब्राइट एंड क्रिस्प है, तो आप बहुत ही आसानी से इस फोन को यूज़ कर पाएंगे, बहुत अच्छा फील होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आप लोगों को फ्रंट में भी मिलता है और बैक में भी मिलता है, जिससे कि मजबूती बहुत हो जाती है फोन की। बात करें अगर यहाँ पर आपके कैमरे की, तो 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का कैमरा आप लोगों को देखने को मिलता है 1.8 अपर्चर के साथ, जिससे आप बड़े पिक्सल के साथ एक बहुत ही अच्छा फोटो खींच पाते हैं। बात करें अगर इसमें आप लोगों के, बहुत सारे मुझे सुनने को मिले रिव्यूज़ कि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके कैमरे के में थोड़ा सा खुलने में प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है, पिक्स भी बहुत ही ऑसम आती हैं और कैमरा भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बट लो लाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाता है फ्रंट कैमरे की अगर बात करें यहाँ पर, तो 13 मेगापिक्सल का कैमरा आप लोगों को देखने को मिलता है 2.2 अपर्चर के साथ, ये थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है आप लोगों का जब लो लाइट में आप सेल्फी लेते हैं। बात करें अगर यहाँ पर बैटरी की, तो 4000 mAh की बैटरी, यानी 4000 mAh की बैटरी और 4.0 का क्विक चार्जिंग सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। बट यहाँ पर अगर मेन बात यह है कि इसको प्रीमियम ये सब सारी चीज़ें तो बना ही देती, USB टाइप सी पोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर बैक में। फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त और ऑसम है। प्राइस की अगर बात करें तो अमेज़ॉन पर अगर आप इसको लेना जाएंगे तो 18 से 19 हज़ार रुपये का आपको पड़ सकता है, बट अगर आप इसको फ्लिपकार्ट पर खरीद पाते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो ये आप लोगों को 14,000 से 15,000 रुपये की कीमत में मिल जाता है, और ये फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए बात करते हैं अब हमने दूसरे फोन की। दूसरा फोन भी हमारा बहुत ही जबरदस्त है, इसको चाहे पहले नंबर पर रख लो चाहे दूसरे नंबर पर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही ऑसम फोन है।
जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वो है Realme 3 Pro। Realme 3 Pro एक बहुत ही औसम फ़ोन है। अगर इस फ़ोन की अगर बात करें तो Realme 3 Pro में जो आप लोगों को मिलता है कैमरा, वो बहुत ही औसम कैमरा बन जाता है। को सुपर सैम्पलिंग का ऑप्शन मिलता है जिससे आप 64 मेगापिक्सल तक आप फोटो बहुत ही औसम ले पाते हैं। लो लाइट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है, सेल्फी आप लोगों की लो लाइट में भी बहुत ही औसम लेता है। तो चलिए अब जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। अगर बात करें इस फोन की स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर मिलता है। देखने को बहुत ही ऑसम प्रोसेसर है और बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, जहाँ पर आप लोगों को 616 की एड्रीनो ग्राफिक्स मिलती है, जिससे कि बहुत ही ऑसम बन जाता है। जब आप गेम्स वगैरह खेलते हैं तो बहुत ही ऑसम आपको फील होता है। और 4GB रैम और 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ भी मिलता है, और 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ भी आप लोगों को ये फ़ोन मिलता है। वहीं पर अगर बात करें इसके डिस्प्ले की, 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है। ब्राइट एंड क्रिस्प डिस्प्ले मिलती है, जो कि एक इंच और कम हो जाती है, सैमसंग से 2 इंच कम हो जाती है और रेडमी नोट 7 से 1 इंच कम हो जाती है। बट अगर बात करें डिस्प्ले की, तो बहुत ही ब्राइट एंड क्रिस्प डिस्प्ले आप लोगों को मिलती है, और यहाँ पर वी शेप नॉच डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि ड्यू ड्रॉप भी बोल सकते हैं। बात करें अगर इसमें आप लोगों को कैमरा की, तो यहाँ पर आप लोगों को 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा आप लोगों को देखने को मिलता है रियर में LED फ्लैश के साथ, और बहुत ही ऑसम बन जाता है इसके साथ। यहाँ पर आप सुपर सैम्पलिंग के चलते 64 मेगापिक्सल तक फोटो ले पाते हैं। ऊपर से अगर बात करें यहाँ पर, तो 25 मेगापिक्सल का आप लोगों को कैमरा मिलता है फ्रंट में, जिससे आप बहुत ही ऑसम फोटो ले पाते हैं, सेल्फी ले पाते हैं, लो लाइट में भी बहुत ही ऑसम फोटो देता है आप लोगों को। बट अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों को 4045 mAh की बैटरी आप लोगों को देखने को मिलती है इस फोन में, जिससे कि आप दो दिन तो आराम से चला ही लेते हैं। वहीं पर आप लोगों को वॉक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे 3.0, जिससे कि आप 1 घंटे में फोन्स को आराम से चार्ज कर पाते हैं, जो कि आपको ओप्पो के फोन्स में देखने को मिलता है। अब ये सब ब्रांड है तो इसमें भी देखने को मिल सकता है। नॉन रिमूवेबल बैटरी आप लोगों को मिलती है, फिंगरप्रिंट सेंसर आप लोगों को बैक में देखने को मिलता है, और ये फोन इन सारी चीज़ों के चलते बहुत ही ऑसम बन जाता है। वहीं पर प्राइस की अगर बात करें, तो ये हो जाता है आप लोगों का 14,000 रुपये की प्राइस का, और ये फ़ोन बहुत ही ऑसम हो जाता है इन सारी स्पेसिफिकेशन के साथ। बट ये भी अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है फ्लिपकार्ट में, और आप इसको फ्लिपकार्ट से नहीं ले पाएंगे। आपकी क्या राय, आप कौन सा फ़ोन लेना चाहते हैं? रेडमी नोट 7 लेना चाहते हैं, रियलमी 3 प्रो लेना चाहते हैं, या फिर आप सैमसंग M30 लेना चाहते हैं? इन तीनों फोन में आप कौन सा चाहेंगे खरीदना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मत भूलिएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को जरूर 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 लाइक करें। लाइक करने से हमें बहुत ही मजा आता है वीडियोस को और बनाने में और आपको सर्व करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।